नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। राजनीति के रिश्ते और राजनीति के रास्ते बड़े अजीब होते हैं। यहां सालों के नायक चंद सेकंड में खलनायक बन जाते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मायावती के बड़े खास माने जाते थे। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में बहन जी के साथ एक तरफ मिश्रा जी तो एक तरफ सिद्दीकी साहब नजर आते थे, लेकिन अब ये नजारा नहीं दिखेगा। ये भी गए वो भी गए, बसपा में मची अफरा तफरी। हार के हाहाकार के बीच निकाले गए सिद्दीकी पिता पुत्र, हार के बाद हाहाकार। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं नसीमुद्दीन का कहना है कि वो अब मायावती एंड कंपनी का भंडाफोड़ करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर बहन जी के इस कदम को समझने की करेंगे कोशिश। पार्टी ने श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व उनके पुत्र अफजल सिद्दीकी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। विधानसभा चुनाव में बहन जी के हाथी की चाल क्या बदली कि पार्टी नेताओं के सितारों की चाल ही बदल गई। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप की गृहदशा से गर्दिश में आया सिद्दीकी परिवार हाथी से उतार दिया गया। पिता और पुत्र दोनों पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस पार्टी विरोधी कार्य व अनुशासनहीनता को पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया। पार्टी ने श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व उनके पुत्र अफजल सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासन करने का निर्णय लेते हुए उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती और मिश्रा जी के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी हाथी के महावतों में से एक थे। मुस्लिम चेहरा होने की वजह से चमक थोड़ी ज्यादा भी थी। उसी चमक को बढ़ाने के लिए पश्चिमी यूपी में उनके बेटे अफजल सिद्दीकी को प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन अब बेनामी संपत्ति, अवैध कुचड़खाने और पार्टी के नाम पर अवैध वसूली जैसे बड़े आरोपों के साथ विदा कर दिए गए बसपा के बड़े मुस्लिम चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। वहीं निष्कासन के बाद नसीमुद्दीन ने प्रेस नोट के जरिए अपनी निष्ठा और पीड़ा को प्रदर्शित किया है। जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो सभी आरोप मैं मायावती पर साबित कर दूंगा। मेरा निष्कासन मेरे व मेरे सहयोगियों की 34-35 वर्षों की कुर्बानी का सिला है। कुर्बानी की बानगी ये है कि मायावती के चुनाव के चलते मैं अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका था। मायावती की गलत नीतियों के कारण भारी शिकस्त मिली और मुझे टॉर्चर किया गया और मुस्लिमों को अपशब्द कहे गए। मायावती एंड कंपनी के आरोपों का जवाब सबूत के साथ जल्द दूंगा। बहुजन समाज पार्टी में एक के बाद एक कद्दावर नेता नीले झंडे का डंडा छोड़ रहे हैं। चुनाव से पहले बहन जी के खास से फैसलार स्वामी प्रसाद मौर्य का मोह भंग हुआ था, तो वहीं आर के चौधरी ने भी अपना चंगुल छुड़ा लिया था। इधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के निष्कासन के साथ ही हाथी वाली पार्टी में भगदड़ मची। इरशाद खान, MLC प्रदीप सिंह, पूर्व राज्य मंत्री सलाउद्दीन, पूर्व कोषाध्यक्ष ज्ञान चंद्र, अरशद अली ने बसपा की गली से तोबा कर ली। पार्टी ऐसे किसी भी पुराने व वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही उसे पार्टी में रखेगी जिसकी गतिविधियां अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ में पार्टी के लिए जबरदस्त घातक हो तथा पार्टी के प्रति अनुशासनहीन हो। बहरहाल लोकसभा चुनाव में 0 और विधानसभा चुनाव में केवल 19 सीट पर जीत के बाद हाथी वाले खेमे में हड़कंप सा मचा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद बसपा में भगदड़ अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो इसी में जानने और बात करने की कोशिश करेंगे, क्या भगदड़ अभी जारी है और जो लोग पहले चले गए कुछ लोग अब चले गए हैं या आखिर हो क्या रहा है, ये समझने की आज होगी कोशिश। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय आपका करा दें। अरुण प्रकाश कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर पांडे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ विंध्य वासिनी कुमार बीजेपी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, DK आनंद दलित चिंतक हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री
प्रधान संपादक के न्यूज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से हम करने जा रहे हैं। अमिताभ जी ये भी गए, उससे पहले वो भी गए, बसपा में मची है अफरा तफरी, हार के बाद की ये अफरा तफरी है, हाथी से उतरा है सिद्दीकी परिवार। अब पंकज, हार के बाद राजनीतिक दलों को अपना मानसिक संतुलन थोड़ा और दुरुस्त रखना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। पराजय सबसे पहले मानसिक विचलन पैदा कर देती है। बसपा ने आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से बाहर कर दिया, कुछ आरोप भी लगाए लंबे चौड़े। नसीमुद्दीन ने पलटवार किया, उन्होंने कहा ये जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के, कदाचार के, ये सब मायावती इन कंपनी का मामला है, मैं सबूत दे दूंगा। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि आरोप किसके सच्चे हैं, लेकिन मैं तो 100% खरी बात कहता हूं। 20 साल से नसीमुद्दीन आपकी छाया थे, 20 साल से। नसीमुद्दीन एक रात में भ्रष्ट हुए क्या? नहीं। नसीमुद्दीन की इतनी बड़ी संपत्तियां देश विदेश में जो आप बता रहे हो, ये एक दिन में बन सकती है क्या? जवाब है नहीं। आप 5 साल से सत्ता में नहीं, कोई भ्रष्टाचार करे भी तो किस नाम पर करे? कहां पर करूं सिंगार पिया मोरा आंधर रे। तो अगर इन्होंने आपके उस 2007 से 12 वाले कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया था तो यह बात आपको 17 में समझ क्यों आई? ये बड़े हास्यास्पद तरीके से फैसले लेते हैं राजनीतिक दल। कल तक गलबहियां डाले घूम रहे थे, आज से 4-5 साल पहले जाओ, अरुण जी को याद होगा कौन लोग बसपा चला रहे थे मायावती जी के अलावा? बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश मिश्रा। अब सतीश मिश्रा जी छोड़ के सब बाहर। मैं कहता हूं अगर मायावती जी इतनी बुरी थी तो नसीमुद्दीन को आज क्यों याद आया, और अगर नसीमुद्दीन इतने भ्रष्ट थे तो मायावती जी को आज समझ क्यों आया? इन दोनों का उत्तर दोनों को देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है बसपा भगदड़ की स्थिति में फंसी है, उसका वोट शेयर गिरा है, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में उसका प्रदर्शन डगमगाया है बुरी तरह से, तो आपका जो कैडर होता है उसका मनोबल भी टूट जाता है। जब वो देख रहा है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक 5 साल की मजबूत सरकार बीजेपी की है, तो वो सोचता है हम 15 साल शहीद होंगे क्या? जिधर सत्ता उधर चलो। तो यह वक्त था पार्टी सहेज के रखने का, यह वक्त लाठी चार्ज का नहीं था, क्योंकि पार्टी में तो वैसे ही लोग भागेंगे, आप पराजित हैं, आप तो मत भगाते। और रही बात भ्रष्टाचार और सदाचार की, तो 20 साल से सब दोनों एक दूसरे को सर्वोत्तम तरीके से जान रहे थे। आज अचानक क्या हो गया कि आपको ये चोर नजर आने लगे और उनको आप चोर नजर आने लगे? अरुण प्रकाश जी, ये राजनीतिक दलों में क्या चलन है भाई? 20 साल तक एक ही थाली में खाते हो और अचानक बता देते हो कि ये चोर है, बड़े पुराने चोर है, मुझे अभी याद आया इसलिए इनको निकाल रहे हैं। आदरणीय अग्निहोत्री जी, ये जो राजनीतिक नेतृत्व है और उनके साथ जो ये नंबर 2 और नंबर 3 पे लोग काम करते हैं, और जिस तरीके के, मैं खाली एक दलों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई जाती है तो नेतृत्व को उसमें स्वयं सजग होना चाहिए। लेकिन अगर 5 साल या 10 साल उनके साथ, 20 साल रहने के बाद और सारे कदाचार करने के बाद अगर कहीं वो हो, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं संदिग्धता नजर आती है। लेकिन आज जो मैं महसूस कर रहा हूं कि भारत के राजनीति में एक नई तरकस में से तीर छोड़ी जा रही है, समस्त राजनीतिक दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है,
उस पे छाया मंडल किस तरीके से प्रभाव उसको आप अग्निहोत्री जी समझ रहे हैं, चाहे वो सारी पार्टियां उस दौर से गुजर रही हैं, कुछ पार्टियां सत्ता में भी हैं, कहीं प्रदेशों में भी सत्ता में हैं और कहीं अन्य जगहों पे सत्ता में हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जांच के दायरे। अपना अपना घर बचाने की जिम्मेदारी घर के मुखिया की होती है, दूसरे को दोष मत दो। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, लेकिन जब सत्ता में बैठ करके दिल्ली की एक पार्टी पार्टियों को तोड़ने का काम करे और आदरणीय लोकायुक्त के जांच का डर दिखाया जाए, मैं तो सोचता हूं नसीमुद्दीन को इस समय मायावती के साथ एक निश्चित रूप से खड़े होना चाहिए था, लेकिन जांच की आंच में नसीमुद्दीन प्रभावित हैं और निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूं कि महीने दो महीने के अंदर या तो नसीमुद्दीन की भारतीय जनता पार्टी, ठीक आएंगे आपके पास अरुण जी, फिर आएंगे आपके पास, और नहीं तो नसीमुद्दीन अरुण भाई जी, ठीक ठीक है, एक बात कहूं अरुण जी, मेरे खिलाफ लोकायुक्त सीबीआई आईबी सबकी जांच करा लो जी, जी जी जी, और मुझे दबा के देख लो। अरे चोर हैं इसलिए डरते हैं ना, तो डराने वाले को दोष क्यों दे रहे हो? क्या आप ये कह रहे हो कि जो चोर है उसको डराओ मत, राजनीति में जो चोर है उसको डराओ मत जांच से, क्या ये कह रहे हो? नहीं नहीं, ये तो ये नेतृत्व को डराने का काम है, ये कि नेतृत्व को डराया जाए कि पार्टियों को कमजोर किया जाए, मैं उसकी बात कह रहा हूं, ये मैं नहीं, ये नसीमुद्दीन को मैं तो कह रहा हूं कि अगर नसीमुद्दीन सच थे तो नसीमुद्दीन को आज बहुत मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी में लोग कहते हैं कि हमारा 30 साल का कैरियर है तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। ठीक है आनंद साहब, ठीक है अरुण भाई आएंगे आपके पास। डीके आनंद साहब, मुझे एक बात समझाइए, जब यह कहा जाता है जी, खासतौर पर सपा और बसपा की ओर से अक्सर कहा जाता रहा, मुलायम सिंह जी कहते रहे, मायावती जी कहती रहे कि सीबीआई का डर दिखाते हैं ये लोग, तो जांच एजेंसी से डरेगा तो वो ही जिसने कुछ काला पीला किया होगा, जिसका सब सफेद हो उसको क्या डराएगा कोई? आनंद साहब आपकी बात शत प्रतिशत सही है, डरेगा वही जिसने कुछ गड़बड़ किया है। अब चूंकि आज का विषय यहाँ था कि नसीमुद्दीन जी का बसपा से निष्कासन हुआ है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बात बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल आनंद साहब बिल्कुल बोलिए। देखिए एक विद्वान है जॉन स्टुअर्ट, उन्होंने कहा है कि धर्म में जो भक्ति है वो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा अंततः पतन का कारण होता है। और उसने ये भी कहा है कि नायक को इतनी ताकत मत दे दो और नायक के सामने अपनी एबिलिटी को समर्पित ना कर दो, उसको इतनी ताकत ना दे दो कि वो संविधान की व्यवस्थाओं को तोड़ दे, मर्यादाओं को तोड़ दे, और उसने इतनी ताकत दे दी है बसपा को ये कार्यकर्ताओं ने, तो आज जो आपको दिख रहा है ये नायक के चरणों में जो लोग अपने को सरेंडर कर रहे हैं उनका ये हश्र होना था, ये जल्दी होना चाहिए था लेकिन देर में हुआ है। मैं इस मत का समर्थक हूं और आपको यह भी बताना चाहता हूं, यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है, वहां भी भक्त लोग इतने ज्यादा भक्त पैदा हो गए हैं कि उनका भी एक नायक पैदा हो गया है और उस नायक की भक्ति के पीछे ये पूरा देश विकास को भूल गया है, वीकर सेक्शन को भूल गया है, किसान को भूल गया है, मजदूर को भूल गया है, केवल नायक जो बोल दे जिधर उंगली उठा दे उधर के बेचारे भक्त एक अच्छी बात कही। ठीक आनंद साहब मैं चंद्रशेखर पांडे को बीच में ले आऊं, आपकी मूल बात अच्छी है,
जी आपकी मूल बात अच्छी है और इसी बात को बाबा साहब ने भी कहा था एक बारगी, उन्होंने कहा था किसी को इतना महान मत बता दो कि उसकी आलोचना ना की जा सके, हर आदमी को आलोचना के दायरे में रखो। ये बात एक बार अंबेडकर साहब ने भी कही थी, आपके पास फिर आएंगे आनंद जी। चंद्रशेखर पांडे, नसीमुद्दीन वर्सेस मायावती, ऐसी लड़ाई आपके यहां भी चल रही है, चाचा वर्सेस भतीजा, वहां भी किसी दिन भी कोई ना कोई खुशखबरी आ ही सकती है। ये समझ नहीं आता 20-20, 25-25, 30-30 साल तक गुइया बन के खेलते हो और अचानक ये कौन से बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हो आप नेता लोग कि अचानक आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अच्छा ये चोर है और दूसरे को प्राप्त हो जाता है कि अच्छा ये भी चोर है। 25 साल लगते हैं जानने में कि कौन चोर है कौन साहूकार है। अमिताभ जी मैं ये कहूंगा कि ये जो विषय है बिल्कुल ना कहीं से बोधि ज्ञान प्राप्त होता है ना 25-30 साल लगते हैं, निश्चित रूप से कहा वही जाता है और ये कहा वही जाता है जो पहले से रहता है। और राजनीति की ये यही सत्य और सच्चाई है, राजनीति आज की बात ऐसी नहीं है, हमेशा से जो सत्ता की नीति होती है वहां पे निश्चित रूप से यहाँ पे सेवा के भाव के साथ साथ में सत्ता प्राप्ति भी एक लक्ष्य होता है। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी दलीय सीमा के अंतर्गत बधी रहती हैं, इसलिए इन चीजों का राजनीति की बहुत सामान्य परंपरा है। अब जहां तक आपके मुद्दे की बात है जो ये नसीमुद्दीन जी का है, तो पहली बात तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी का पूर्ण रूपेण यह अंदरूनी मामला है, वो किसको निकालते हैं क्या आरोप लगा के निकालते हैं ये उनको तय करना है। परंतु अगर व्यक्तिगत तौर पे जहां तक मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मायावती जी का और बहुजन समाज पार्टी का और माननीय श्री मिश्रा जी का ये एक मैं इसे सफलता के रूप में जरूर देखूंगा इन नसीमुद्दीन जी के प्रकरण को, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मैटर में जिस तरीके से उन्होंने, जिसे धोबी पछाड़ी स्टाइल बोलते हैं, उस तरीके से मायावती जी के ऊपर एक ऐसा करारा प्रहार कर दिया जहां पे वो डिफेंसिव मोड में आ गई, जबकि मायावती जी की ये शुरू से पहचान रही कि वो जब जिसको पार्टी से निकालती हैं तो उसकी राजनीतिक विरासत समाप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि उसी स्टाइल में अपनी पुरानी स्टाइल को वापसी करते हुए कहीं ना कहीं से उनको कुछ संदेह हुआ होगा और उन्होंने ये मौका नहीं दिया। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने वो सारे आरोप वो लगा दिए जो उनको मालूम था कि डिट्टो यही आरोप वह रिवर्ट में आने हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही आरोप लगा दिया। तो दो चीजों को मैं, पहली चीज तो मैं ये मेरा अपना विजन ये है, उसके अलावा एक चीज मैं और आपसे बड़ा गंभीर कहना चाहूंगा कि नसीमुद्दीन जी की एक कमी रही। देखिए हर बार में मायावती जी एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लेके चलती है, जैसे कि माननीय मिश्रा जी ने 2007 में किया, उनके ऊपर पूरा मायावती जी ने भरोसा किया, पूरा सत्ता में सेकंड नंबर दिया और पूरा एक स्ट्रक्चर उन्होंने सफलता भी दिया। परंतु जब हम इस चुनाव की बात देखते हैं तो नसीमुद्दीन जी ने जिस तरीके से मुस्लिम और दलित का गठजोड़ बनाया और एक माहौल खराब किया, कई बयान तो उनके इतने निंदनीय शुरू में आ गए थे जिसको हम आप याद भी नहीं कर सकते हैं कि दलित और अगर एक साथ हो जाएं तो डैश डैश इस तरीके का, और मायावती जी को जो भी कन्विंस किया हो या उन्होंने जाने अनजाने में किया हो, पर कई बयान उन्होंने, मैंने इतने सीट दे दिए, इतने टिकट दे दिए, इस तरीके का उन्होंने कई बयान आ गए कि जो ये निश्चित रूप से यह जो एक धार्मिक आधार पे इस चुनाव में जो एक ध्रुवीकरण हुआ उसमें भी एक कारण रहा। तो मुझे लगता है कि मायावती जी की जो स्टाइल है कि जब परिणाम आने के बाद उसमें बिल्कुल ठीक है, चंद्रशेखर आएंगे आपके पास। विंध्यवासिनी जी पुराने राजनेता हैं, लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, भाजपा के प्रतिनिधि हैं। विंध्यवासिनी जी, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा छोड़ के मुझे ये बताओ, आप अपने तजुर्बे से देखा होगा, शादी ना भी करो तो बराते तो आदमी करता ही है, लोगों ने बताया होगा, क्या टिकट बांट दिलाने की वसूली जो होती है पार्टियों में, टिकट बेच के जो पैसा उगाया जाता है, क्या कोई पार्टी का कोई नेता इतना बड़ा है कि बिना नेतृत्व को उसका उचित हिस्सा दिए पैसा वसूल ले?
नसीमुद्दीन पर सबसे बड़ा आरोप यह लगा है कि भाई उन्होंने टिकट बेच दी। देखिए, टिकट बेचने का काम तो दरअसल में मायावती ही करती थी। एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी कुछ मामलों में शामिल है कि जात और मजहब की राजनीति जब से इन दोनों प्रदेशों में शुरू हुई है तब से इस प्रदेश का विकास रुका, बंटाधार हुआ। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में जो दल है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, एक परिवार को छोड़ दिया जाए तो उनका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं है, वो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं। काशी राम जी को आप छोड़ दीजिए, अम्बेडकर जी को छोड़ दीजिए, लेकिन जब से मायावती जी विरासत में आई है बहुजन समाज पार्टी में, या मुलायम सिंह का परिवार है जिसमें आज कुनबे में काफ़ी फूट पड़ी हुई है, झगड़ा पड़ा हुआ है, तो स्थिति यह है कि जात और मजहब के आधार पर ही चुनाव जीता जाए, यह पूरा 10-15 साल से सिनारियो लोगों ने बना लिया था। इस जात को ले लो, इस जात को ले लो, मुसलमानों को इतना टिकट दे दीजिएगा तो मुसलमान आ जाएंगे, राणा प्रताप की मूर्ति लगवा दीजिएगा ठाकुर वोट आ जाएंगे, ये सब जो बयाने थे ये पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति की कमी की ओर इंगित करते हैं। और मायावती की जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है किसी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लूट खसोट का हिस्सा है। नसीमुद्दीन थे, बाबूराम कुशवाहा थे, सब लोग थे, हमारे यहाँ भी आए थे, चले गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसलिए इस आधार पर जो बंटवारा है, पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में जात और मजहब पर आधारित राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है, ये बहुत बड़ी बात हुई। और विकास पर लोगों ने ध्यान दिया है, 15 सालों में उत्तर प्रदेश इतना पीछे चला गया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और यही कारण है कि लोगों ने जब देखा कि जात के आधार पर बिंदवासनी जी ये आज मुद्दा नहीं है, हम लोग मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर है। एक छोटी सी टिप्पणी आनंद साहब से लूंगा। आनंद साहब, बसपा में जिस ढंग का बिखराव दिख रहा है, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के नाते आप निकट भविष्य में क्या देखते हैं? क्या कांशीराम ने जो बड़ा दलित आंदोलन खड़ा किया था, क्या वो दलित आंदोलन अवसान की ओर है, खात्मे की ओर है? आनंद जी, देखिए, बसपा का जो उदय हुआ वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर उदय हुआ, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन था वो समतामूलक समाज की स्थापना का था। लेकिन बसपा का जब गठन हो गया और सरकार आ गई तो बसपा ने बाबा साहब अम्बेडकर को किनारे कर दिया और डॉक्टर अम्बेडकर के बगल में अपनी और काशीराम की मूर्ति लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने साबित किया कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को सुपरसीड कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के बगल में मायावती की और काशीराम की मूर्ति खड़ी कर दी कि बुद्ध से ज्यादा एनलाइटमेंट हमारे में आ गया है। लेकिन जब उनकी स्पीच होती थी, तिलक तराजू और तलवार आगे वाला मैं बोलूंगा नहीं, आप जानते हो, ये भाषा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से हट गई, अब उनका अपना मिशन हो गया। अभी जो बिंदवासिनी साहब ने पूछा वो उनका मिशन हो गया। मैं आपसे इसमें कहना चाहता हूं, अवसान की तरफ निश्चित है ये, इसको कोई अब आप रोक नहीं, मायावती रोक नहीं सकती इसको। उसका कारण भी मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं। बसपा का गठन जो बेसिक है वो किस पे था? वो दलित और पिछड़ों पर था। और दलित पिछड़ों में कौन सी चेतना थी? समतामूलक समाज की स्थापना के लिए। और वोट बैंक जब बना तो ये ऊंची जात के लोग एमएलए एमपी बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए इसमें आ गए। वो अम्बेडकरवादी लोग नहीं थे, नसीमुद्दीन भी आ गए तो अम्बेडकरवादी नहीं है, आप समझिएगा इसको। ये लोग पद लेने के लिए आ गए। और जब इनको ये मालूम हो गया कि अब बसपा शासन में नहीं आएगी और अब बसपा अवसान की तरफ जा रही है, जैसे कि जवान औरत को बहुत लोग देखते हैं जब बूढ़ी हो जाती है तो बहुत लोग साथ छोड़ देते हैं, आज वही स्थिति बसपा की है। ठीक है, लोगों को मालूम हो गया कि बसपा का जो, आप तो जानते होंगे बसपा का मूल वोट कौन है,
मैं नाम लेना चाहता हूँ जाटो और ठीक आनंद साहब एक एक रुको एक मिनट अरे डॉक्टर अरे ठीक है आनंद साहब एक मिनट रुको मैंने एक बार काशीराम जी से ये सवाल पूछा था जब बसपा की शुरुआती दिन थे पैदा हुई थी पार्टी तो मैंने काशीराम जी से पूछा था कि भाई आप ये बनिया ठाकुर ब्राह्मण ये क्यों लड़ा रहे हो तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री हमारे जो वोटर हैं वो वोट नहीं डाल सकते हम उनको उम्मीदवार बना भी दें तो वो वोट नहीं पड़वा पाएंगे इसलिए हमको ताकतवर लोग चाहिए लेकिन मैं थोड़े समय तक ही इनको रखूंगा जैसे ही मेरा वोटर वोट डलाने लायक हो जाएगा मैं इन पर निर्भरता खत्म कर दूंगा लेकिन चूंकि ठाकुर ब्राह्मण बनिया जाट मुसलमान ये जो बड़े दूसरे लोग थे यही चढ़ावा देने में सक्षम थे और जो बसपा का कोर वोट था उसके पास वोट था नोट नहीं था और आपको आदत हो गई थी चढ़ावे की तो स्वाभाविक है एमएलए एमपी तो बनाने पड़ेगा इसमें कौन सा एहसान किया इस हाथ ले उस हाथ दे आनंद साहब भाई जिसने 10 करोड़ दिया उसको एमएलए बनने का अधिकार तो है एमपी बनने का अधिकार तो है उसमें समतामूलक समाज कहां से आ गया तो वही मैं बात आपसे करना चाहता हूं मायावती समतामूलक समाज वाली नहीं है आप मेरी बात नहीं आप बोले मैं टोकता नहीं बीच अग्निहोत्री जी की आवाज नहीं आ रही आनंद जी कंप्लीट कीजिए अच्छा देखिए ये जो बात अधूरी रह गई उसमें मैं फिर बोलना चाहता हूं पहले तो आप ये जान लीजिए कि काशीराम जी ने पंजाब से राजनीति शुरू करी और पूरा जीवन मध्य महाराष्ट्र में बिता दिया उनको उत्तर प्रदेश की जमीन फर्टाइल दिखाई दी वो महाराष्ट्र में पनप नहीं पाए यहाँ पर दलित आंदोलन चल रहा था पिछड़ों का संगठन तेजी से हो रहा था इन्होंने केवल 1:1 को प्लस कर दिया 2 कर दिया यहाँ कोई बड़ी भारी राज जो आपने बताया वो जो नारा दे रहे थे वो दलितों के वोट के लिए नहीं दे रहे थे वो दलितों को एक्साइटमेंट करने के लिए कर रहे थे कि अगर तुम हम वोट दोगे तो इस समाज के हम खिलाफ संघर्ष करेंगे और ये राजनीति में नहीं होना चाहिए जब आप सत्ता पे आओगे तो सारे समाज की आपको सेवा करनी पड़ेगी सत्ता के आने के बाद इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो इनका पतन का कारण है ठीक बात वो कारण इनकी नीति है ये डॉक्टर आज भी मेरा अपना अनुभव है और मेरी चुनौती भी है इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को छोड़ करके जिंदा नहीं रह सकती है अभी भारत के प्रधानमंत्री ने आपको याद होगा कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की उस जगह पे गए जहां दीक्षा भूमि क्यों गए पूछिए जरा क्यों गए क्या जरूरत थी जब आरएसएस का एजेंडा हिंदुत्व है तो बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने धर्म छोड़ा आनंद साहब ठीक है एक ब्रेक लेना है ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि जब आप दर्शन देने का पैसा लेने लगे 2 लाख 5 लाख 10 लाख दर्शन देने का केवल नमस्ते मंजू स्वीकार करने का तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी रह कहां जाती है ये बात करेंगे ब्रेक के बाद बसपा में मची अफरा तफरी हार के हाहाकार के बीच निकाले गए सिद्ध की पिता पुत्र हार के बाद हाहाकार हाथी से उतरा सिद्दीकी परिवार और उसी पर हो रही है चर्चा सीधे चल रहे के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास अमिताभ जी प्लीज अरुण प्रकाश जी सीधा सवाल जुगल किशोर गए दद्दू प्रसाद गए आरके चौधरी गए स्वामी मौर्या गए बाबू सिंह कुशवाहा गए और अब नसीमुद्दीन बाबू सिंह को छोड़ दीजिए जो वोकल नहीं हुए उसके कारण तमाम थे उसमें मैं नहीं जाता लेकिन बाबू सिंह वोकल नहीं हुए बाकी सब लोगों ने खूब कहा सुना जो कह सकते थे क्या नसीमुद्दीन अब जो पुराने छोड़ के लोग गए वो जो बोल चुके हैं उससे कुछ ज्यादा प्रामाणिक बोलेंगे क्योंकि सामान्य आरोप तो ये सब लोग लगा चुके चौधरी दद्दू सिंह जुगल किशोर
स्वामी मौर्य, ये तमाम लोग लगा चुके ब्रजेश पाठक। अरुण जी मैं बोलूं आदरणीय अग्निहोत्री जी? जी 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 आदरणीय अग्निहोत्री जी, एक लोकोक्त हाँ। है, मुहावरा है कि सूप बोले चलनी क्या बोले 72 छेद। ये जिन लोगों का आपने नाम लिया है और उसमें नसीमुद्दीन जी को मैं बहुत ही व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, क्योंकि नसीमुद्दीन जी लखनऊ विश्वविद्यालय में आते थे, मैं भी हाथी का इंडियन यूनिवर्सिटी में भी प्लेयर रहा, यूपी सीनियर खेला, तो और नसीमुद्दीन भी वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, यूपी लेवल इंडिया लेवल के खिलाड़ी थे नसीमुद्दीन जी। नसीमुद्दीन जी की मैं व्यक्तिगत हैसियत भी जानता हूँ और आज क्या साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया है वो भी मैं जानता हूँ। देखिए नसीमुद्दीन जैसे लोग, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे लोग, दद्दू प्रसाद जैसे लोग, ये राजनैतिक दलों के दीमक हैं। जब नेता महाभारत के युद्ध में घिर गया हो तो मैं समझता हूं कि ये जो लोग सेनापति के रूप में काम कर रहे थे वो भाग रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये घिरे हुए लोग हैं। और आज ये किसी पार्टी और एक राजनीतिक, आपने देखा कि बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके से भाजपा के शरण में गए, अरुण जी और मैं भारतीय जनता पार्टी के भागे नहीं, इनको तो निकाला है। ये तो मायावती जी ने ठीक काम किया, नहीं ये तो वादा माफ गवाह बनेंगे मायावती जी के खिलाफ, कम से कम कुछ तो बचाया मायावती जी ने अपना, जनता के बीच में, दलित समाज के बीच में अपना कुछ बचाया। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जो आरोप आज मायावती ने लगाए हैं, ठीक है, मैं चंद्रशेखर पांडे के पास जाऊंगा, चंद्रशेखर जी मित्र, ठीक है, आप ठीक है अरुण भाई, ठीक है, स्टूडियो के बगल में चंद्रशेखर पांडे जी में बैठते हैं। तीन बातें हैं राजनीतिक गलियारे में, तीन बातें भविष्य के लिए नसीमुद्दीन के, एक संभावना समाजवादी पार्टी में जाएं अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी, दूसरी संभावना चल रही है कि शिवपाल यादव जो सेकुलर फ्रंट बना रहे हैं उसमें शिवपाल चचा के कंधे से कंधा मिलाएंगे नसीम चचा, और तीसरी एक बात चल रही है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे जाके। आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है नसीमुद्दीन के लिए अगला ठिकाना क्या हो सकता है? अमिताभ भैया मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे तो लगता है इनके लिए बड़ा कठिन ठिकाना है, क्योंकि आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो ये आरोप लग रहे हैं ये बहुजन समाज पार्टी के जो नेतृत्व के ऊपर जो आरोप लगते हैं या जो नेतृत्व आरोप लगाता है, ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं से आरोप में बड़ा दम होता है, वो निराधार जीरो नहीं है। इनके लिए कोई ठिकाना ढूंढना आसान नहीं होता है। जहां तक मुझे समझ में आती है कि हमारे यहां पे श्री अखिलेश यादव जी के पास में तो कोई भी चांस विकल्प है ही नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी गलत दिशा में थे और चुनाव में ये गलत परिप्रेक्ष्य में भी ले गए। पूरे के पूरे जो एक विपक्ष के लिए, जितने भी विपक्ष मैं कंबाइंड आल करके बात कर रहा हूं, उन सारे लोगों का एक बड़ा नुकसान उन्होंने के दिया, क्योंकि बड़े गलत दिशा में पोलराइजेशन ले जाने की उन्होंने कोशिश की। और इसलिए हम हमारे यहाँ पे अखिलेश यादव जी के यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं। उसके अलावा पे जो सेकुलर मोर्चा है, बहुत प्राइमरी स्टेज की बातें हैं, मोर्चा जहां तक होता है, जो मुझे समझ में आता है कि कोई दल नहीं होता है बल्कि कई दलों का एक मोर्चा होता है, तो यदि ऐसी कोई स्थिति फाइनल स्टेज में आती है तो पहले वहां ये पता चलेगा कि भाई माननीय अखिलेश यादव जी की क्या स्थिति है और इनकी क्या स्थिति है, तो वो तो सेकेंडरी हो सकता है, उस पर कोई विशेष चर्चा की जरूरत नहीं है। हाँ जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय पार्टी इस देश की राजनीति की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके पास में असीम शक्ति है, एक मैजिक है
कि वह यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति को भी, जो माननीय के खासियत है कि पूरे कम से कम 50 साल, मैं दावा कर रहा हूं कि 30 साल से ऊपर वो पूरी भाजपा को और मनुवाद को, भाजपा के मूल सिद्धांत को नमक खाखा के गाली दिया है, उस व्यक्ति के अंदर भी रातों रात कोई आत्मा को उन्होंने बदल दिया और वो मनुवाद जो कि इतने बड़े गौरी गणेश के ऊपर क्या करने को बोलते थे वो सब भूल करके वो गौरी गणेश की पूजा करने लगे। तो यदि वो चंद्रशेखर मौर्य जी को बदल सकते हैं, ये सवाल मैं विंध्यवासिनी भाई से सीधे पूछ लेता हूं। ठीक है चंद्रशेखर, मैं समझ गया आपका सवाल, ये सवाल मैं सीधे विंध्यवासिनी भाई से पूछ लेता हूं। विंध्यवासिनी जी, बसपा से जितने भी बड़े लोग निकाले गए उसमें 90% को आपने खपाया अपने यहां, 90% को, जुगल किशोर को, स्वामी मौर्य को, ब्रजेश पाठक को, जितने आए आपने कहा आ जाओ भाई मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। मोती जी बसपा क्या ये दरवाजा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए भी खुला है? सबका साथ सबका विकास। एक बात मैं आनंद जी का बता दूं, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण हिंदू समाज और सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, और मायावती जो दलित पार्टियां हैं सबसे ज्यादा अम्बेडकर जी के जीवन स्थानों का अगर किसी ने उत्थान किया है, विकास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना होती है सवेरे प्रातः सहारनपुर में दिखाई दे रहा है, ये सवाल नहीं है मेरा, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। और विंध्यवासिनी जी मेरा प्रश्न है, क्या नसीमुद्दीन के लिए भी दरवाजे खुले हैं जैसे स्वामी मौर्य के लिए, बाबू सिंह कुशवाहा के लिए, दद्दू प्रसाद के लिए, जुगल किशोर के लिए खुले थे? देखिए भाई ऐसा है कि एक नाम नहीं पड़ी जी, भारतीय उत्तर प्रदेश के जितने अपराधी, जितने भ्रष्टाचारी, जो गुंडे थे, अराजक तत्व थे, विधानसभा में नवाजा, 2014 की लोकसभा में नवाजा, जो पहले अगर बसपा में थे, सपा में थे, कांग्रेस में थे, जिनको ये कहते थे कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, वो आज सारे भाई अरुण जी मैं उत्तर ले लूं विंध्यवासिनी जी से, विंध्यवासिनी जी में नहा करके पुण्यात्मा पवित्र हो गए हैं। विंध्यवासिनी भाई जैसा चरित्रवान व्यक्ति अगर उनका समर्थन करता है तो मैं समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से किसी एक नई आत्मा का उदय हो रहा है जी। अरे रुको तो अरुण भाई, विंध्यवासिनी जी उत्तर तो दे, ठीक है? अरे रुको भाई विंध्यवासिनी जी, छोटा सा सवाल, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए भाजपा का दरवाजा खुला है? हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सबक समाज को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ के भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद के खिलाफ जब अम्बेडकरवाद से हट गई बहुजन समाज पार्टी, तो उसके बाद वो आए, उन्होंने कहा कि यहाँ तो भ्रष्टाचार है, अम्बेडकर जी का तो कोई विचार चल ही नहीं रहा। तो जो लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझ करके आए हैं, और कौन किस दल में जाता है, कहाँ मिलता है, इसके बारे में नेतृत्व विचार करता है, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये तो नसीमुद्दीन जी को सोचना। लेकिन मेरा इतना कहना है कि हमारी पार्टी सबको साथ ले चलने वाली पार्टी है और विचारधारा पर आधारित है। आपकी राजनीतिक अपने देश के महापुरुषों में से एक मानते हैं। आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए भाजपा का दरवाजा खुला होगा? अबे तो नसीमुद्दीन जी को विचार करना है, मैं कैसे कह दूं इसके मतलब खुला हुआ। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, मैं आपको बता रहा हूं। यही मैं कह रहा था अग्नोत्री जी, ना गलत बात आप, यही मैं अग्नोत्री जी कह रहा था, मेरा कहना कि सारे खेल के पीछे अमित शाह नरेंद्र मोदी, भाजपा से कोई मतलब ही नहीं भाई, बहुजन समाज पार्टी फूटा, समाजवादी पार्टी में चचा भतीजे में लड़ाई तो मैं क्या करूंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो चाहता हूँ सारे खेल के पीछे नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है। नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि पूरे देश का विकास हो, उत्तर प्रदेश का, आज योगी जी उत्तर प्रदेश, ठीक है विंध्यवासिनी जी आगे बात करूं भैया जी, मैं डीके आनंद के पास जाऊंगा, डीके आनंद साहब, मोदी योगी जी भी सबका विकास चाहते हैं,
आपका हंस क्या कहता है, कम से कम दिन में 10 बार कपड़े जरूर बदलते। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्यों की तरह भाजपा की नाव की पर सवार होंगे? इसका उत्तर मैं दे रहा हूं आपको। इस समय भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 3 तलाक पर कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं मिल रहा है, एक भी चेहरा नहीं है। और इसलिए मेरी पक्की उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनको लीडर नहीं बनाएगी, बल्कि 3 तलाक का इस्तेमाल करने के लिए उनको ज्वाइन कराएगी। मैं बसपा के बारे में बोलना चाहता हूं। हमारे वहां एक कविता है छोटी सी कि बौड़ी बिरवा चढ़े ना उतराओ, बौड़ी बिरवा चढ़े ना उतराओ, समय का भाव ऐसे ना रही। और वही तो पुरवैया चलत है, खूबे माओ जुड़ाओ, और खोपड़ी पे हाथ पकड़ के रोई हो, जब चलिए पछियाओ, समय का भाव ऐसे ना रही। ये बसपा के लिए मैं पहले भी बोलता था, आज भी मैं बोल रहा हूं। और यही स्थिति, जैसे हमारे बगल में हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस में कांग्रेस की पूजा नहीं हुई। गांधी के सिद्धांत को तिलांजलि देगी, 74 में जब यह कह दिया गया कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जब वहां नायक की पूजा प्रारंभ हो गई तो आज इस स्थिति पे आ गई। आज बसपा में जब इस नायक की पूजा शुरू हो गई तो बसपा सिद्धांत से हट गई, डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत से, आज ये खत्म हो गई। और कल का मैं बता रहा हूं, भविष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी में भी नायक की पूजा प्रारंभ हो जाएगी, उस पार्टी को पतन से कोई रोक नहीं सकता है, जैसा कि आज हुआ है। इतनी बात मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद। आदरणीय अग्निहोत्री जी, मेरा एक प्रश्न ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आनंद साहब, आगे बात आपकी। अरुण प्रकाश जी, अरुण प्रकाश जी, अरुण प्रकाश जी, एक मिनट रुकिए। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए सर्वाधिक संभावित ठिकाना भाजपा है? पार्टी में आए और 3 बार कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए। डीके आनंद जी 3 बार कांग्रेस पार्टी में आए और 3 बार कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए। इनको 74 में इल्हाम हो गया था कि व्यक्तिवाद वाली पार्टी है। ऐसी बातें राजनीति में नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस आज भी गांधी और नेहरू और अंबेडकर के सिद्धांतों पे खड़ी और कल भी खड़ी रहेगी। गांधी से कांग्रेस का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब। अरे मैं पर छोड़ो भाई आनंद जी, गांधी और अंबेडकर की बहस सभी छोड़ दीजिए। अरुण पांडे, अरुण जी सीधा सवाल, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी भाजपा का साथ पकड़ सकते हैं? नहीं, बड़नगर वाले बता रहे हैं ना अभी। बोलो अरुण प्रकाश जी, प्रश्न किससे है? अरुण प्रकाश जी आपसे। आदरणीय अग्निहोत्री जी, जरा प्रश्न दोहरा दें जी, प्रश्न दोहरा दे सर। अरुण प्रकाश जी, अरे भाई मैं आप सुनो ना, आप लोग बहस भटका देते हो। मैं पूछ रहा हूं, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह उपकृत करेगी? निश्चित रूप से। मैं कह रहा हूं कि इस समय जो भी कुकृत्य हो रहे हैं और ये नेता को फांसने की साजिश है, 19 के पहले आदरणीय मोदी ये दिखाना चाहते हैं कुछ नेताओं के माध्यम से, वादा माफ गवाह बना करके उपकृत किया जाएगा और मायावती जी को जेल भेजने की साजिश रची जाएगी। ये मैं आज ही कह रहा हूं, ये मायावती को जेल भेजने की साजिश रची जाएगी और ये काम नरेंद्र मोदी अमित शाह के माध्यम से शुरू हुआ है। इसके पीछे निश्चित रूप से उपकृत किए जाएंगे नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन का पता कर लीजिए अग्निहोत्री जी कि यहां लखनऊ के अंदर हजारों हजार एकड़ जमीन स्वयं नसीमुद्दीन जी की है। ये मैंने पूरे जनता कहती है, प्रेस मीडिया के लोग कहते हैं, तो नसीमुद्दीन जैसे चरित्र का व्यक्ति, मैं तो कहता हूं कि अभी आप कह रहे थे दलित आंदोलन, मैं मानता हूं कि दलित मूवमेंट के लोग स्वयं भटक गए, अंबेडकर के रास्ते से किसी ठाकुर ब्राह्मण या किसी अन्य कौमे ने नहीं भटकाया। क्या हुआ तमिलनाडु में? तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन खड़ा हुआ, दलित आंदोलन खड़ा हुआ, द्रविड़ और दलित नेता रहे। आज तमिलनाडु की हालत क्या है आप देखिए कि किसान अरुण जी आकर के, अरे भाई बात सुनो, आंदोलन पर बात नहीं करने आया। किस तरीके अरुण प्रकाश,
मैं आंदोलनों पर बात नहीं करने आया मित्र। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कांग्रेस में कोई रिश्ता बनने की संभावना? मैंने साफ कहा अग्रोती जी, कोई नहीं। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि नसीमुद्दीन जैसे भ्रष्ट व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। और जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी आपने कोट किया और आदरणीय बिंदवासिनी जी भी कोट कर रहे थे, आप भी बहुत भ्रष्टों को अपने जगह दे चुके हो। मौर्य जी तो 20-25 दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कभी सपा में भाग रहे थे, कभी भाजपा में भाग रहे थे। जब वो तय कर लिए, सौदा तय हो गया, तब वो भारतीय जनता पार्टी में गए। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अंबेडकरवादी सोच के नहीं है, ये लोग तो जोकर टाइप भाषा का प्रयोग करके नेता बने हैं। चले ठीक है अमिताभ जी, अरुण जी ठीक है। अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए। अमिताभ जी प्लीज। देखिए जब बहस सिद्धांत अंबेडकरवाद, गांधीवाद, लोहियावाद पर चली जाती है तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूं। ये शब्द आज की राजनीति में पूजा घर में रखी हुई घंटी है जिसको केवल सुबह बजाते हैं एक मिनट के लिए, बाकी इन शब्दों का व्यवहारिक राजनीति से क्या लेना देना। जो लोहिया के नाम की कंठी पहने हैं उनका लोहिया से कोई लेना देना नहीं, जो अंबेडकर के नाम का ताबीज बांह में बांधे हैं उनका अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं, जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम का उत्तरीय डाले हैं उनका दीनदयाल जी के जीवन चरित्र से कोई लेना देना नहीं, जो गांधी के नाम की रोटी खा रहे हैं उनका गांधी से कोई लेना देना नहीं। तो फिर बहस काय को अपन इस मुद्दे पर करें, व्यवहारिक राजनीति पर चर्चा हो जाए। भाई जो आदमी कल तक एक पार्टी के लिए चोर होता है अगले दिन वो उस पार्टी का नेता हो जाता है, क्या ऐसा सब पार्टियों में नहीं हुआ? हुआ। और कुछ राजनेता तो ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में ही, मेरी बात से विंध्यवासिनी जी सहमत होंगे, अरुण जी सहमत होंगे, जो सब पार्टियों में घूम आए और बड़े नेता रह लिए और हर सरकार में मंत्री रह लिए, क्या नहीं है ऐसे लोग? मुझे समझाओ, वो गांधी के नाम पर आए कि जवाहरलाल के नाम पर आए कि दीनदयाल जी के नाम पर आए कि अंबेडकर जी के नाम पर आए? हर सरकार में मंत्री रह लिए ताल ठोक के, और शाम को 7 बजे के बाद उनसे बात करना मुश्किल। सूर्यास्त समझ लो, मस्त ही मस्त। क्या ऐसे लोग नहीं है? किसकी सरकार में नहीं रहे मंत्री बोलो, मैं आईना दिखाऊं। काहे कोई बाद पर बहस करते हो बड़ी बड़ी बातें, लगता है कि बिल्कुल सैद्धांतिक राजनीति भारत में चल रही है। नहीं ना, मूल प्रश्न था कि मायावती जी ने जो आरोप लगाए और उसके उत्तर में जो नसीमुद्दीन ने आरोप लगाए, उन दोनों आरोपों की बहुत मान्यता इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से है। तो दोनों को यह जानने के लिए कि अगला भ्रष्ट है, यह 20-22 साल क्यों लगे? आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं इसका मतलब। और कल तक स्वामी मौर्य या कोई नसीमुद्दीन अगर मान लीजिए भ्रष्ट थे, आरोप लगाता था भाजपा या कांग्रेस या कोई दल, और फिर वो आपके दल में आ जाते हैं तो अचानक वो गंगोत्री में गंगा स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, क्या यह नहीं होता? सब पार्टियों में यही हो रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा, इसीलिए मैंने सवाल किया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। मैं हमेशा मान के चलता हूं कि सारे दलों के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति उस निचले पायदान पर खड़ी है कि कोई कभी कहीं जाके बड़ा नेता बन सकता है। कहीं कोई आश्चर्य नहीं होता मुझे जब मैं सुनता हूं कि फला नेता फला दल में जा रहा, मैं कहता हूं जा सकता है। हां, लेकिन इतना जरूर है
कि बहुजन समाज पार्टी के रूप में कांशीराम ने जो एक दलित चेतना पैदा की थी उत्तर प्रदेश में, मैं महाराष्ट्र और पंजाब नहीं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में मैंने घूम के देखा कांशीराम के साथ, कांशीराम ने दलित, बड़ी दलित चेतना पैदा की, दलितों में राजनीतिक जागृति का श्रेय उत्तर प्रदेश में कांशीराम को जाता है। वो आंदोलन दिशा भटक गया, धीरे धीरे आपकी पार्टी वैसी ही हो गई जैसी और पार्टियां थी, और उससे भी ज्यादा गड़बड़ हो गई कई मायनों में। अब ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी वर्सेज मायावती जी जो युद्ध है, मेरा अपना प्रेडिक्शन है, मेरी अपनी समझ कहती है, आनंद साहब शायद सहमत हो या ना हो, ये युद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य वर्सेज मायावती जी से ज्यादा खतरनाक होगा, जुगल किशोर वर्सेज मायावती जी से ज्यादा खतरनाक होगा, यह सबसे बड़ा युद्ध होगा और इसमें सबसे ज्यादा नग्नता होगी, सबसे ज्यादा कीचड़ उछाला जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि नसीमुद्दीन जैसे प्रतिभाशाली राजनेताओं की दरकार किसी नहीं। बांदा में जो लोग नसीमुद्दीन जी को जानते हैं और बाबू सिंह को जानते थे, हम तो बांदा से जान रहे हैं, वो लोग तो इनको मानेंगे कि इनसे बड़ा कारसाज कौन है, दो दशक में कहां से कहां पहुंच गए, इनका मंत्र तो बिल गेट्स जान ले तो इनका शिष्य हो जाए, वॉरेन बफेट इनका मंत्र जान ले तो इनसे दीक्षा ले ले, ऐसी अक्षय लक्ष्मी साधना सिद्ध की है इन लोगों ने। तो ऐसे लक्ष्मी साधना सिद्ध साधक जो है राजनीति में, उनके लिए हर दल के दरवाजे खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिधुवासिनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रशेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया, डीके आनंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता मायावती ने दिखाया है, और अगला कदम क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी और हमारी नजर भी इसी पर बनी रहेगी कि मायावती क्या कहती हैं, अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या कुछ करते हैं, खुलासा करने की बात कर रहे हैं, वो कौन से ऐसे खुलासे हैं जो अब सामने आएंगे, दिलचस्प होगा देखना। आज के मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।